चलो ठीक है, इकाइंडो डॉर्मेटा की बात करते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग जो नए फाइलम को शुरू कर रहे हैं वो है इकाइंडो, इकाइंडोस यानी स्पाइनी यानी स्पाइंस, और डर्मा मतलब होता है स्किन या कवरिंग, यानी ऐसा फाइलम जिसके अंदर स्पाइंस मिलते हैं उसकी स्किन के ऊपर, उसे कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? अब इकाइनोडर्मेटा में यहाँ पे एक और खास बात होती है कि यहाँ पे कैल्केरियस ऑसिकल्स मिलते हैं, एंडो स्केलेटन इसमें होता है, एंडो स्केलेटन। एंडो स्केलेटन किसका बना हुआ है? कैल्केरियस। ठीक है, कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है तुम्हारा कौन? एंडोस्केलेटन। ये इकाइनोडर्म्स की खासियत होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर तुम्हारे स्पाइंस मिल रहे हैं और स्किन है, यानी स्पाइनी स्किन मिल रही है, इसलिए इनका नाम पड़ गया इकाइनोडर्म्स, स्पाइनी स्किन एनिमल्स। ठीक, नाम क्लियर हो गया पूरा। अब बात करते हैं कहाँ रहते हैं, हैबिटेट का, तो एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये भी पूरी तरह से ये मरीन में ही रहेंगे, यानी कि समुद्र में ही मिलेंगे सारे के सारे इकाइनोडर्म्स। इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस और पेडिसिलरी मिलते हैं। पेडिसिलरी क्या होते हैं? कुछ इस तरीके से होते हैं चिमटे जैसे, पेडिसिलरी का मतलब ये होता है चिमटा, तो चिमटे जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये क्या होते हैं? स्पाइंस के बारे में, स्पाइंस आर द प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, स्पाइंस कांटे जैसे मिल रहे हैं स्किन के ऊपर, कैसे है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और जो पेडिसिलरी होते हैं ये क्या करते हैं, जब इसकी स्किन के ऊपर कोई डिब्रीज लगी हुई है, यानी कि तुम समुद्र में चल रहा है, समुद्र में तो रहे और समुद्र में चल रहा है, तो कोई चीजें इसके ऊपर लग गई, तो उसको पेडिसिलरी जो है वो क्या करेंगे, पकड़ पकड़ के अलग करते हैं। तो पेडिसिलरी है जो क्लियर करेंगे इस डिब्रीज को, और कोई ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर चिपकी हुई है तो उसे भी अलग कर देंगे। ठीक है, इसकी अगर बॉडी सिमेट्री की बात करी जाए, इसकी बॉडी सिमेट्री की बात करी जाए, तो जो बॉडी सिमेट्री है यहाँ पे एक बहुत खास बात, एनसीईआरटी में स्टार मार्क करके लिखा हुआ है इसको, इसमें जो एडल्ट्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो इनके लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ दोनों तरीके की सिमेट्री मिल रही है, यानी अगर लार्वल स्टेज में होगा तो कैसा है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, लेकिन अगर एडल्ट स्टेज में जैसे जैसे बड़ा होगा वो पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएगा, पांच आर्म हो जाएंगी और रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्लियर जी? अब दूसरी बात, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट्स है और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, डाइजेस्टिव कैविटी या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, जिसमें माउथ नीचे ऐसे होता, देखिए ये स्टारफिश का नाम समझिए, याद रखिए स्टारफिश पांच आर्म है, नीचे की तरफ इसका माउथ है, ऊपर की तरफ इसका एनस, उल्टा है, नीचे माउथ ऊपर एनस। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, with mouth lower ventricle side में और anus upper dorsal side। clear? anus ऊपर, mouth नीचे। अब इसमें एक और खास बात मिलती है, देखिए हर एक चीज के characteristic feature समझते रहिएगा, इसकी जो खास बात है वो यहाँ क्या मिल रही है, ambulacral system या water vascular system। आपने सबसे पहले phylum में पढ़ा था water canal system, यहाँ water vascular system, यानी water vessels में अंदर पूरा चल रहा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो हेल्प करेगा फूड कैप्चर करने में, रेस्पिरेशन में और लोकोमोशन, चलने में, फूड कैप्चर करने में और रेस्पिरेशन, तीनों में मदद करेगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। क्या होता है ये देखिए, हमने बनाया हुआ है आपको, होता क्या है, इसकी जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको अगर काट दोगे उसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, छेद ऐसे बनेंगे ऊपर, जिससे क्या होता है पानी अंदर की तरफ जाता है, और पानी अंदर जाता है तो यहाँ पे ये स्टोन कैनाल कहलाती है या मैट्रिपोरिक कैनाल कहलाती है, स्टोन कैनाल या मैट्रिपोरिक कैनाल, तो पानी इस मैट्रिपोराइट से एम्पुला के थ्रू होता हुआ मैट्रिपोरिक कैनाल में जाएगा, जिसमें कैल्केरियस रिंग्स मिल रहे हैं, और ये पहुंच जाएगा इसमें, ये एक तुम्हारा रेडियल कैनाल है, कुछ इस तरीके से रिंग कैनाल। तो सबसे पहले कहां पहुंचा, मैट्रिपोराइट, मैट्रिपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, और रिंग कैनाल से ये पानी अब यहां आ जाएगा इधर, ये पांच आर्म है, हर एक आर्म में चला जाएगा पानी, यहां आया, यहां घूमा और यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऐसे जाता है। तो ये लेटरल कैनाल है, इन्हें क्या कहते हैं हम, लेटरल कैनाल, इनको क्या कहते हैं, सॉरी इसे रेडियल कैनाल कहते हैं। ये देखिए यहां बनाते हैं, सबसे पहले मैट्रिपोराइट हो गया,
उसके बाद पानी कहा गया मेट्रिकोराइट के बाद स्टोन कैनाल, जिसे हमने मेट्रिकोरिक कैनाल भी कहा है। उसके बाद पानी कहा गया रिंग कैनाल, उसके बाद पानी कहा गया रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। उसके बाद पानी कहा गया लेटरल कैनाल, देखिए यहां आ गया ये रेडियल कैनाल हो गई, ये रेडियल। अब इसके बाद पानी इसमें आया, ये हो गई लेटरल कैनाल। फिर कहा गया लेटरल कैनाल, और फिर लास्ट में जाता पानी ट्यूब फीट। ठीक है, ट्यूब फीट। तो ये कुछ पानी का करंट है, इसे हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम कह रहे हैं। समझ में आई बात है? ये पूरा डायग्राम है जिसके थ्रू ये समझाया होगा कि पानी यहाँ पहुंच जाता है ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट कुछ ऐसे लगेंगे, इससे यहाँ पे ऐसे 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 करके इसमें लगेंगे। ठीक, पानी जब यहाँ पहुंचता है तो ट्यूब फीट ऐसे हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाएंगे। एक्सटेंड हो गए तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे से चलने में मदद करेंगे। ये ट्यूब फीट हो गए, और ये ट्यूब फीट क्या क्या चीजें है, एम्पुला है, पोडियम हो गया, और ये सरस होते हैं। ठीक है, काम इनका क्या होता है, फूड कैप्चर करना, रेस्पिरेशन करना, और लोकोमोशन करना। ये पूरा सिस्टम क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेटरी सिस्टम। क्लियर? अब आ जाइए इसके ऊपर, ह्यूमन और पैरा ह्यूमन सिस्टम। यहाँ पे जो तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली ब्लड तो मिलेगा नहीं, और ब्लड नहीं है तो उसकी जगह क्या है, हीम है और पैरा हीम है। ये हीमल और पैरा हीमल सिस्टम स्पेशल टाइप का सिस्टम है, यहाँ पढ़ना नहीं है, जब स्टारफिश कल पढ़ोगे तो उसमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। तो हीमल और पैरा हीमल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे एक एक सिस्टम है हीमल, और फिर उसके ऊपर चलता है पैरा हीमल, दो सिस्टम चलते हैं। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ओपन टाइप हो जाता है इस तरह से। यहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा हो गया, ओपन टाइप हो गया विद हीमल और पैरा हीमल सिस्टम। क्लियर? तो ये बातें सारी हो गई यहाँ तक की। अब हम लोग ये सारी बातें समझ में आ गई, तो एक बार फिर से देख लीजिए, हैबिटेट कहाँ रहेगा, मरीन एनिमल है यानी कि समुद्र में रहेगा। इसकी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स और पेडिसिनरी मिलेंगे, जिसका काम क्या है, स्पाइक्स का काम प्रोटेक्शन और पेडिसिनरी का काम है सफाई करना। ठीक, इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, ये जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन उनके लार्वा कैसे हैं, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। लार्वा आ रहा है यानी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सिलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका पूरा कंप्लीट होता है, नीचे माउथ है, ऊपर एनस है। एम्बुलेटरी सिस्टम, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, एम्बुलेटरी सिस्टम या वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, रेस्पिरेशन करेगा और लोकोमोशन करेगा। इसके अलावा इसमें ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है जो हीमल और पैरा हीमल सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या है, ये सारी बातें देख लेते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी जाए तो अभी हमने आपको बताया था कि जो ट्यूब फीट होते हैं उससे रेस्पिरेशन होता है, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं अलग अलग। जैसे अगर स्टार फिश है, स्टार फिश में रेस्पिरेशन के लिए एक्डर्मल ब्रैंकी मिलेगा। ठीक है, अगर सी अर्चिन्स हैं तो उनके लिए पेरिस्टोमियल गिल्स मिलेंगे, पेरिस्टोमियल। ठीक है, पेरिस्टोमियल गिल्स। और जेनाइटल बर्सा किसमें मिलेगा, ब्रिटल स्टार में। और क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीज किसमें मिलेंगे, होलोथोरियंस में। ठीक है, इसके अलावा ट्यूब फिट तो करते ही करते हैं रेस्पिरेशन में है। अब आते हैं एक्सेटरी ऑर्गन, तो कोई भी एक्सेटरी ऑर्गन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है, जो कुछ भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, और अमोनिया चीफ एक्सेटरी प्रोडक्ट है, अमोनिया यहाँ पे निकलता है। ठीक है, यानी क्या लेंगे, ये अमोनिया। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, नर्व रिंग्स और रेडियल नर्व कॉर्ड। आपको जब पता ही है कि ये पेंटामेरल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है, पांच आर्म्स की, तो नर्व रिंग मिलेगी और रेडियल नर्व आर्म्स मिलेंगे, ये इस तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद सेंस ऑर्गन, इसमें पुअरली डेवलप होते हैं, ज्यादातर होते नहीं है। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट तो अलग अलग तरीके के लार्वा। अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो इसे पांच क्लास में बांट दिया है, एस्टेरॉइडी, ओफियोरॉइडी, इक्विनॉइडी, होलोथोरॉइडी और क्रिनॉइडी। ठीक, एस्टेरॉइडी, ओफियोरॉइडी, इक्विनॉइडी, होलोथोरॉइडी और क्रिनॉइडी, पांच क्लासेस में बांटा गया है, सारे क्लासेस के। ठीक,
अब इनके अलग अलग लार्वा, जैसे एस्टेरॉइड हमें मिलेगा बाइपिनेरिया और ब्रैंकिडेरिया लार्वा, इसका एग्जांपल हो गया एस्टेरियास यानी स्टारफिश। ओफ्यूलाइड में ओफ्यूक्लूटियस लार्वा मिलेगा ओफ्यूरिया यानी बर्ड लार्वा। इकिनोइड में आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ एरिस्टोटल्स लैंटर्न मिलता है, पुराने जमाने में जो नाव के ऊपर जाया करते थे लोग तो पुरानी तरीके के एक लालटेन टांगा करते थे, तो एरिस्टोटल लैंटर्न उसका नाम रख दिया गया, उसके जैसा एक मैस्टिकेटिंग ऑर्गन च्यूइंग ऑपरेटस मिलता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग ऑपरेटस इसके मुंह में, इसलिए इसे कह दिया गया एरिस्टोटल्स लैंटर्न। और ये इक्यूनोइडी में रखा गया, इसका एग्जाम्पल इकाइनोक्लूटियस लार्वा, ये लार्वा है इकाइनोक्लूटियस, एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है सी अर्चिन है इकिनास और सैंड डॉलर्स, ये अलग है ठीक है, इनका हमने सूरज का नियम नहीं लिखा। होलोथ्राइडी, होलोथ्राइडी में ऑरिकुलेरिया और डॉली ओलेरिया लार्वा मिलेगी, ये लार्वा है, देखिए ये लार्वा हो गया, ये लार्वा, ये लार्वा, ये लार्वा, ये भी लार्वा, ऑरिकुलेरिया और डॉली ओलेरिया, इसमें होलोथ्रिया सी सी कुकुम्बर है ठीक। और क्रिनोइडी में डॉलियोलेरिया लार्वा मिलता है और इसमें एंटीडॉन यानी सी लिलीज आती है, एग्जांपल्स भी आपके साथ में आ गए, ये सारे एग्जांपल्स हैं और ये इनके लार्वा हैं, अलग अलग क्लास के अलग अलग लार्वा होते हैं। आपसे इतना जनरली नीट में नहीं पूछता है, सिंपल ये पूछते हैं कि डेवलपमेंट कैसा होता है, तो इनडायरेक्ट होता है लार्वा स्टेज में, बस इतनी सी बात होती है। तो यहाँ तक आपका ये वाला पूरा फाइलम कंप्लीट हो जाता है, इकाइनोडर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है ठीक है।